हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर पे। तो आज हम फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस आए कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो भाई टाइम नहीं मिल पाता और व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे, लोग लाइक नहीं करते वीडियो देखने के बाद भी। चलो कोई नहीं, दो बंदे ही बोलेंगे बनाने के लिए, उनके लिए ही बनाएंगे। तो फटाफट आज चार मैच कवर करूँगा इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम ये पहला मैच मैंने इसका टेलीग्राम पर मैच दे दिया है, ये वाला हमने टेलीग्राम पे दे दिया है, इसका भी टेलीग्राम पे डाल दिया। पर टॉस के बाद जागना दोनों बहुत ज़रूरी है। उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि चार बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो मैंने टेलीग्राम में बता दिए हैं वो चार चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इस मैच की, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई कप। तो 15 मिनट निकालिए और चारों मैच की वीडियो देखिए। कौन कौन से कौन कौन से चार मैच? 1, 2, 3, 4 चारों मैच इस वीडियो कवर है। 15 से 20 मिनट निकालिए, ऐसी नॉलेज ले जाइए और ग्रैंड लीग जीतने के चांस बढ़ाइए अपने और स्मॉल लीग के भी। वैसे टीम तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड मोमेंट में, और तो आप जो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जीतना चाहते हैं वो जीत देख सकते हैं। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा आपको मैं, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देख सकते हैं 289 सब्सक्राइबर्स हैं अभी रिसेंट में, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आती है, जैसे हमने कल बताया कि मैंने कि हम वैनकूवर को नहीं लेंगे, वही वो सब लेके आ रखे थे। वाइस कैप्टन कैप्टन ना करके हमने नहीं लिया, हम वन साइड विन कर गए। और रात वाले मैच में हमने लेविस के लिए मैंने देख बोला था कि लेविस को आज मैं छोड़ रहा हूँ, उसकी जगह दो बढ़िया प्लेयर ले, तो वो भी सच हुई। तो मतलब प्रेडिक्शन तो हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है, 10 में से 8 मैच तो वन साइड जीत ही रहे हैं। और जैसे कि मैंने सी मप्पोफू के बारे में भी कहा था कि भाई ये बंदा तुम्हें ग्रैंड लीग जिताएगा, दो वीडियो पहले जाके चेक कर सकते हो, मैंने बोला था कि ये बंदा स्लो रन वगैरह डालता है, 3-4 विकेट लेगा जिस मैच में तुम्हें जिता देगा। आज वही हुआ, जो इन बंदों ने मेरी बात मानी थी, मैसेजेस आए भाई आपने वो पिक अच्छी बताई, तो वो जीते भी हैं। तो हम विक्टोरिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करते हैं। तो इस मैच में बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बस एक दो प्लेयर बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, जो कि जैको डायरेक्ट पहले नाम बताया था। पहले तो मेरी ये टीम रही है, मैंने ऐसे बनाया है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब 6 टीम ग्रैंड लीग में ट्राई करिए माई फैब 11 में। तो देख सकते हैं आपको मैं स्टार्टिंग समझाता हूँ। मैंने बैनक्रॉफ्ट, ये दोनों खेल रहे हैं, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है। पीटर हैंडसम को आप जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। कैमरन बैनक्रॉफ्ट टेस्ट मैच खेलता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। साइमन हार्पर आपने बिग बैश में देखा होगा, मेलबर्न डैनी ग्रेटसर से खेलते हुए अच्छी बैटिंग करता है, हिटिंग अच्छी करता है, रन मार सकता है। तो लोगों ने 8% लोगों ने किया है, तो एक ग्रैंड लीग की पिक बन सकता है। जॉश इंग्लिश ये भी खेलेगा, ये भी अच्छी बैटिंग करता है, टाइम आता है तो ये दोनों ग्रैंड लीग के पिक बन सकते हैं। तो साइमन हार्पर ने तो रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बिग बैश में, जो आपने भी देखा होगा दिसंबर जो होते हैं उसमें। तो विकेट कीपर सेक्शन में ये है। और यहाँ तो अब यहाँ है, आप जानते होंगे बड़ा नाम एरोन फिंच, कौन नहीं जानता, ये खेल रहा है, मार्च खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो बात अलग है टॉस के बाद ही, पर स्क्वाड में तो सारे इंक्लूड है भी। टॉस के बाद वो बात बतानी कौन कौन से खेलेंगे। डी शॉर्ट है, हमारा कैप्टन भी डी शॉर्ट रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। एस्टन टर्नर को जानते होंगे, इंडिया में आके इंडिया को हरवाया था इसने एक मैच। ट्रेविस डीन ये भी खेलता है, पर ये है कि जिस मैच में चल गया तो 100 मार देगा, नहीं चलेगा तो 0। मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है और इतना कोई ध्यान भी नहीं देना लाइक स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में करना है तो बहुत रेयर करना है, इतना कोई दूंगा नहीं। और विल सदरलैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, बॉलिंग मेन करता है, बैट्समैन ने पता नहीं क्यों दे रखा है, ये जब बॉलिंग डालता है। पिछले बार इसने जब बिग बैश में ये ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक में 3-4 विकेट 5 विकेट 5-5 विकेट दो मैच में लगातार लिए थे, तो इसकी क्रेडिट एडजस्ट भी कर सकता है और आप ले भी सकते हैं इसको टीम में। और स्मॉल लीग का भी चॉइस हो सकता है कि क्रेडिट हमारी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और जॉर्ज फिलिप्स, वाह भाई भाई, ये बंदा बहुत क्लास खेलता है, स्टीवन स्मिथ जैसा स्टाइल लगता है कभी कभी इसका खेलने का मुझे। इसने बिग बैश में काफ़ी रन मारे थे, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक में भी काफ़ी रन मारे थे, इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही, ओपनिंग करेगा अगर खेलेगा तो देख लो, ये हो सकती है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की भी क्रेडिट एडजस्ट हो सकती है, 80 पॉइंट अवेलेबल है। मैकेंजी हार्वी और नीचे है मैकेंजी हार्वी, ये भी बिग बैश में खेला था, ये बंदा बिग बैश में खेला था, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लगातार, एरोन फिंच का तो ओपन करता था, जल्दी जल्दी रन मारता था। तो ये लुइस पिकोसवी, इनको ज़्यादा कंसीडर मत करना, ये नाम भी नहीं देखा ने।
ये इसका मैं इतना सजेशन नहीं दूंगा, ये टेस्ट मैच टाइप थोड़ा खेलता है। तो आपको पता है यहाँ सारे खेल रहे हैं लगभग ए टू जेड, और जो प्लेयर नहीं खेल रहा है वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श नहीं खेलेगा तो बाकी यहाँ से एक दो कार्टराइट है, अगर है मैथ्यू शॉट, डी शॉट के भाई ये भी खेल रहे हैं। तो ये प्लेयर है क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, ऑफ स्पिन डालता है और बैटिंग भी अच्छी करता है, तो क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए आ सकता है। एस्टन अगर को लेना है, ये मैक्सवेल को तो आप जानती है, मैकर स्टोनिस को आप जानते हो, मार्श खेल नहीं रहा। हिल्टन कार्टराइट भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुका है वनडे में, और यहाँ पे है एस्टन अगर, ये स्पिन डालता है लेफ्ट आर्म और बैटिंग भी अच्छी, बहुत अच्छी कर लेता है, ऑलराउंडर अच्छा है, इसको टीम में लेके चलना है। स्कॉट बॉलेंट इनकी टीम का, विक्टोरिया की टीम का लीड बॉलर है, इसको 7% लोगों ने कहा ग्रैंड लीग की, चुपचाप ये पिक बन जाता है। और यहाँ पे एंड्रू राय को तो आप जानते ही है खेलेगा। जेसन जाय रिचर्डसन को लेने का बहुत मन है कि 3-4 विकेट एक ही बारी में ले जाता है, पर क्रेडिट, अब कितने बहुत क्रेडिट इशू आ रहा है इस मैच में। नल्थर कंटर नाइल क्रिस ट्रीमैन ऑलराउंडर, बैटिंग अच्छी करता है इन सब में, और कल्टन नाइल भी बैटिंग अच्छी करता है, ट्रीमैन भी। बैरन ड्रॉफ नहीं खेलेगा, इसको भूल जाओ, चलो एक रिलीफ तो मिला। मैथ्यू कैली अपने पिक पैच में देखा होगा, यॉर्कर किंग कहते हैं इसे, अच्छी यॉर्कर डालता है। क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए जे कोलमैन को भी काफ़ी बंदों ने लिया, और बॉल भी अच्छा, लेफ्ट आर्म लंबा बॉलर है, पिछली बार इसने दो तीन मैच में लगातार 4-5 विकेट लिए थे, तो क्रेडिट एडजस्ट भी कर सकता है और विकेट भी। तो यहाँ से नीचे है इतना कोई है, इनको इग्नोर करके चलना। कैमरन ग्रीन वगैरह, कैमरन ग्रीन पिछले ऑलराउंड ऑलराउंडर टाइप का बैट्स बॉलर प्लेयर है। तो ये हमारी पिक रहेगी, आपको मैंने बता दिया है सब प्लेयरों के बारे में। तो फिलहाल मैंने तो ऐसी टाइम पास के लिए ऐसी बनाई है, मतलब टॉस के बाद अगर कोई बड़ा प्लेयर बैठता है तो हमें क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई बढ़िया प्लेयर ले पाएंगे। वैसे तो मैं ये हमने एरोन फिंच छोड़ना पड़ रहा मजबूरी में, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, किसी जगह हम अच्छे प्लेयर ले पा रहे हैं फिर, नहीं तो विल सदरलैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ट्रीमैन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बैनक्रॉफ्ट छोड़ना पड़ेगा, हैंड्सकॉम छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो टॉस के बाद अपडेट टेलीग्राम तभी कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो आपका ही फ़ायदा होगा लास्ट मोमेंट में चेंज करने का। बैटिंग में मैंने ये बना लिया है, टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा, और बॉलिंग में ये तो भाई फटाफट लाइक कर देना, इतनी रात को वीडियो बना रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई, और कमेंट कर देना, 1 रुपया नहीं मिलता हमें कमेंटर्स का, लाइक का जो आप सोच रहे हो, या यूट्यूब में कहीं भी सर्च मार लेना, तो थोड़ा अच्छा लगता है मिलता है। तो अगर बात करते हैं नॉर्थ वर्सेस वॉक्स, कल ये पहला सेमीफाइनल मैच है, तो इसकी टीम हमने ये बनाई है। इसमें अब देखो बात ये है कि अब हेल्थ का पता नहीं, CPL खेलेगा तो ये कल वहाँ नहीं खेल पाएगा, अगर आज CPL नहीं खेलेगा तो कल ये खेलेगा, तो ये बहुत बड़ी, और रात भर में न्यूज़ निकालूंगा टेलीग्राम पे, तभी ज्वाइन करेंगे तो न्यूज़ आती है कोई प्लेयर नहीं खेलेगा तो पहले ही बता दूंगा, नहीं टॉस के बाद तो है ही। ये टीम बनाई है मैंने, तो इसकी मैं आपको पिक बता देता हूँ, कौन कौन से प्लेयर को ले सकते हो आप। यहाँ पे आप बैन कॉक्स को ले सकते हो, टॉम मूर्स का ले गया, क्योंकि टॉम मूर्स का इसलिए गया हूँ क्योंकि ये इसको अमेजिंग प्लेयर कहते हैं इंग्लैंड का, और अच्छा बैट्समैन है, काफ़ी रन मारता है, तो बैटिंग मिलती है, तो गुड हिटर भी है, और कॉक्स थोड़ा स्लो खेलता है पर अच्छा बैट्समैन है, स्टडी बैट्समैन है, और बैटिंग भी आने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ज़्यादातर चांस इधर से नॉट के जीतने के ही हैं। और यहाँ से हेल्थ के बारे में वही है, अगर हेल्थ खेलेगा इधर तो लेंगे, नहीं खेलेगा तो नहीं लेंगे, CPL में भी देखते क्या होता है। मार्टिन गप्टिल खेलेगा तो देखते हैं, मार्टिन गप्टिल तो वैसे खेल रहा था रेगुलर, खेलेगा तो लेंगे। रिकी वेसल्स खेलेगा, बेन टिकेट को मैंने क्रेड की वजह से छोड़ा है, इसको भी लेना है, ये भी खेलेगा। रॉस वेटली है, ग्रैंड लीग पिक, बैटिंग आती है तो बहुत लंबे लंबे छक्के, छः छक्के ही मार रखे इसने एक बार, तो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, जब आता है तो मार जाता है। कि कृष्णा पिछले मैच में खेला था, मैंने हमने लिया भी था, 53 पॉइंट देखे था, एलेक्स के साथ बिना विकेट गिरवाए मैच जिता के चला गया था। जैक लीबी को इतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, और भी प्लेयर हैं कि ले सकते हो, पर कैलम फर्गसन खेल ही रहा अब तो, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक मैच स्टार्ट हो गया तो ये शायद वहीं होगा, खेलेगा नहीं, बहुत रिलायबल प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है मुझे, मतलब ये रिलायबल कंसिस्टेंट प्लेयर मारता रहता है जब फॉर्म में होता है। तो ये पिंजे सबको इग्नोर करके चलेंगे, इतना कोई खास है नहीं, बाकी टॉस के बाद देखेंगे। आप जो मैं टीम देता हूँ सेव कर लिया करो, टॉस के बाद कोई चेंज होता है मैं बता दूंगा, इसकी जगह ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वाइस कैप्टन को ना ले, ऐसा बता दिया करता हूँ मैं। तो मोहिन अली खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि ऐसे आशीष वगैरह है भी नहीं, ऐसे 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 में SS में था भी नहीं ये लास्ट के कुछ मैचेस में,
और यहाँ पे डैनियल क्रिश्चियन अगर आज कह रहे हैं सीपीएल शायद खेलेगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो सीपीएल खेलेगा, वही बात है, टॉस किया तो उतना बहुत ज़रूरी है। मोइन अली वैन पैनल खेलेगा, ये दोनों खेलेंगे। कॉगलिन ने ये भी नहीं, और स्टीव मुलैन ये भी, इन्होंने टेस्ट मैच खेला था जो काउंटी इंग्लैंड में होता है, अश्विन भी खेल रहे थे, तो ये फिट है तो खेलेगा, ये बहुत बढ़िया, ये ग्रैंड लीग के पिक बनता है क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करता है स्टीवन मुलैनी। वसीम अगर खेलेगा तो लेंगे क्रेडिट देख के। डी मिचेल ये और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले डी मिचेल, ये दूसरे डी मिचेल है, इसको नहीं लेंगे टीम में। डी ओलिवेरिया ये ऐसे प्लेयर है, इस सीज़न में कुछ करा नहीं उन्होंने, पर ये दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, भैया ग्रैंड लीग जिस दिन जीतना होगा, आई थिंक आपकी टीम में होगा तो चल जाएंगे, बात अलग है, दोनों ऑलराउंडर हैं। और जैसे हम इसका चल गर्नी को अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा क्रिकेट एडजस्ट होते हैं, गर्नी को जरूर लेंगे, स्लोअर वन डालता है, आईपीएल में भी खेलता है केकेआर से, तो अच्छा बॉलर है, दो तीन विकेट निकाल जाता है। ई बर्नार्ड ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, इसको हमें टीम में लेना लेना, क्रेडिट एडजस्ट भी कर लेता है ये। पैट ब्राउन विकेट टेकिंग बॉलर, इस सीज़न में इतने विकेट नहीं मिले पर ये पिछले सीज़न में दो मैच में लगातार तीन चार विकेट लेके जाता था। जैक लीच को नहीं लेंगे, जैक बॉल बॉलर है, ले सकते हो, खेलेगा तो। ल्यूक फ्लेचर मैं इसलिए लेता हूँ हर बार टीम में क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी करता है और बॉलिंग में दो तीन विकेट ले लेता है, तो दोनों तरफ से हमें बैलेंस टीम में एफर्ट डाल के पॉइंट दे जाता है। ब्रॉड तो नहीं खेलेगा, नहीं ये ल्यूक वुड खेल सकता है, ल्यूक वुड को ट्राई कर सकते हो। नहीं, मैथ्यू कार्टर मैंने इसलिए लिया है कि क्रेडिट भी कम है और कंटिन्यूस विकेट एक दो विकेट ले रहा है। जैक चैपल भी एक ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर है, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करता है, और नीचे इतना कुछ खास है नहीं, तो फिलहाल हमारी टीम ये रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हमारी ये मोइन अली, तो कैप्टन रखना ही रखना ग्रैंड लीग को जिस मर्जी में हो। क्रिश्चियन ये रिकी वेसल्स गपटेल तो वो जानते ही आप, बस और कोई नहीं। तो मैंने बैटिंग की भी इसकी बनाई नहीं शायद, हाँ तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा बैटिंग वगैरह की टीम इसकी, क्योंकि अभी प्लेयर कंफर्म नहीं है। तो अब आप आते हैं मैच में, कौन सा मैच है ये, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, तो इसके हम बात करते हैं फटाफट। तो टीम में मैं भाई ऐसी बना रखी है, इसको सेव कर सकते हो, बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करिए बैटिंग से। तो यहाँ पे रहीम को छोड़ के चला है क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, लिटन दास और गुरबाज को लिया है, कंटिन्यूसन मार रहा है गुरबाज, और लिटन दास ओपन करने आता है तो इसको छोड़ नहीं सकते, अच्छा प्लेयर है। और रहीम को तो आप जानते ही हो, क्रेडिट हो तो लेना ले लेंगे। नदीबुल्ला महमूदुल्ला अफगान आज जल्दी आउट हो गया तो ले सकते हो वैसे, महमूदुल्ला नदीबुल्ला जदरन और हजरतुल्ला जजाई। जजाई को टीम से कहीं मत करना क्योंकि अगर जिस दिन चल के आपको वन साइड हरा देगा ये, क्योंकि ये 100 रन ऐसी मार देता मजे मजे में जब चलता है। और पिछले मैच में शब्बीर रहमान नहीं खेला था, ये खेला था शेंटो, तो देखते हैं क्या चेंज होते हैं। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बीपीएल में खेला था, रन मारता था काफ़ी अच्छे, 40,000 रन मार गया था हर मैच में। एम शेख को खिलाया नहीं, ये नहीं, आफिफ वोसियन को इसलिए नहीं ले रहे, बहुत नहीं चाह रहा ना बॉलिंग करवा रहे, बॉलिंग डालता है, ऑलराउंडर प्लेयर है तो ये बॉलिंग करवा ही रहे, तो इससे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग पिक बन जाता है। नजीब तारकई ये अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में भी खेला था और बैटिंग इस बार कर रहा है, तो ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है, 20-30 रन मार रहा है। तो आपको बता दिया हमने कौन कौन से प्लेयर है ये, और इधर से है शाकिब अल हसन, छोड़ना नहीं है ना नबी को छोड़ना, नैब को छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि इधर से क्रेडिट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छे करते हैं, स्लोर रन वगैरह डालता है। मोसादेक हुसैन की बैटिंग बॉलिंग आ रही है इसलिए इसको हम छोड़ के चल रहे हैं, और हम लोगों ने सेलेक्ट भी किया इसे, इसको हम नहीं लेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि और भी प्लेयर अच्छे अच्छे हमारे टीम में मिल जाएंगे। इन दोनों को लिया है, फरीद मलिक आज का मैच नहीं खेल रहा था, अगर खेलेगा तो कल क्रेडिट रजिस्टर करने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे करीम जन्नत ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग मिल नहीं रही पर बॉलिंग में भी अच्छी डालता है, ग्रैंड लीग पिक है ये। तो हम नवीन उल हक ये यंग प्लेयर है, यहाँ का फास्ट बॉलर, खिला नहीं रहे। ये मोहम्मद सैफुद्दीन कंटिन्यूस विकेट टेकिंग बॉलर इस टीम का, मुस्तफ़ी रजान और मोहम्मद सैफुद्दीन दोनों विकेट लेके जाते हैं, दो दो विकेट। और रूबेल हसन को खिला नहीं रहे क्योंकि सैफुद्दीन अच्छी बॉलिंग करता है, रूबेल हसन से डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करता है सैफुद्दीन। और यहाँ पे आ गए हम मुजीबुर रहमान, आप सब इनको जानते ही होंगे, आईपीएल वगैरह भी खेले हैं, जोला जादरान आज खेले थे, विकेट लेके गए, एक फास्ट बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करते हैं, विकेट मतलब
कल चेंज भी हो सकता है क्योंकि यह टीम चेंजेस कर रही है हर मैच में अपना। सैफुल इस्लाम को खिलाया था, विकेट लिए थे, तजुल इस्लाम, दोनों जो भी खेलेगा ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगी टीम। तो आपको मैं सारे बता दें कौन कौन से प्लेयर क्या करता है, और फिलहाल हमारी टीम ये रहेगी। ग्रैंड लीग पिक बनती है मोहम्मद नैब, जिसको मैंने यहाँ नहीं लिया है, और मुशफिकुर रहीम। बस नैब और रहीम दो प्लेयर छोड़े हैं, और यहाँ अफगान असगर अफगान, आफिफ हुसैन, ग्रैंड लीग, बस चार प्लेयर को कंसीडर करो। यहाँ पे बैटिंग की टीम क्या बनाई है मैंने, हमारी बैटिंग की टीम ये रहेगी। यहाँ पे हमारा शाकिब मिस है, नबी मिस है, क्योंकि क्रेडिट भी यहाँ की प्रॉब्लम है, बॉलिंग में कोई क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी, तो मैंने ये पांच प्लेयर लिए हैं। शाकिब के लिए यहाँ भी क्रेडिट नहीं, क्योंकि शाकिब के 110 पॉइंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, उसकी जगह मैंने दो अच्छे प्लेयर ले लिए, सैफुल और सैफुद्दीन। तो फटाफट तीस पाँच चौथे मैच की बात करते हैं, देखो कितनी जल्दी हमने चौथा मैच कवर कर दिया, लगभग 16 मिनट की वीडियो, ये 20 मिनट ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा T20 मैच होगा फिलहाल। आपको पहले मैं टीम दिखा देता हूँ, क्या टीम मैंने सेव करी है। यहाँ पे मैंने मिस करा है एम क्रिचली को, उसको लेना क्योंकि वो बॉलिंग लगातार विकेट ले रहा है, ऑलराउंडर। इनके एक से इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं, ये जो डर्बीशायर टीम है इसमें सारे प्लेयर ऑलराउंडर है, सारे बैटिंग बॉलिंग करते हैं, तो ये कंफर्म किसको छोड़ना किसको लेना ये बड़ी दिक्कत होती है इसमें, सारे प्लेयर ऑलराउंडर हैं। यहाँ पे सबसे सेफ चॉइस है एडम वेटर, एडम वेटर को ज़रूर लीजिए, वेदर नहीं है ये वेटर है, हाँ तो वेटर को ज़रूर लेंगे। और यहाँ पे और कोई चॉइस है नहीं, डी स्मिथ इतने परफॉर्मेंस का बैटिंग बैटिंग का चांस ही नहीं मिलता। बिली गुडली मैन, ये यहाँ 2020 का बादशाह है, ये इसने लगातार 3-4 सेंचुरी मारी हुई है, तो ये कंटिन्यूस रन मारते हैं, इसलिए मैं इसको टीम ट्वेंटी ज़्यादातर टीम मैच में इसको कैप्टन बना के चलता हूँ। वेन मैटसन बॉलिंग नहीं डालते, मतलब बॉलिंग डालते हैं पर दे नहीं रहे हैं, ऑलराउंडिंग प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इन दोनों का पॉइंट भी देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। डेलपोर्ट जानते ही हो आप, अफ्रीका का प्लेयर है और 2020 के लिए बहुत फेमस है, जगह जगह T20 लीग्स खेलता है। टॉम वेस्ली के बारे में बताता हूँ, इसने भी रिसेंट काउंटी मैच खेला 4-5 दिन पहले, इसमें पहले इनिंग में इसने 100-150 करीब रन मारे, दूसरे में 97 मारे, तो फॉर्म में है, ऐसे नहीं कि उड़ाने वाला प्लेयर है ये, आराम से सेंसिबल गेम खेलता है और आपको पॉइंट जरूर दिलाएगा। 22% लोगों ने लिया है और ऊपर भी आता है बोपारा डस्कटे के, तो इसको टीम में लेना है, जितने दिन पर दिमाग नहीं हो छोड़ के जाएंगे, वो बात अलग है कि इसका दिन ना हो तो। चोपड़ा इस सीज़न खेला ही नहीं, नहीं तो इसको टीम में तो हम जरूर लेते। एल डुप्लो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बस यही इसकी टीम में, इनकी टीम में डर्बीशायर में एक लौता प्लेयर ऐसा है जो बॉलिंग नहीं करता, बाकी सारे बैटिंग बॉलिंग करते हैं। कुक तो टेस्ट मैचेस खेलता है, इसको नहीं लेंगे। डी लॉरेंस कंटिन्यूस बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है बंदा, ये बंदे ने बहुत इंप्रेस किया है गुडली मैन, और इसने इसको भी टीम में लेंगे, और नीचे कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़ के चलेंगे। और जैसे बात करते हैं रवि बुपारा को, आप जानते होंगे फॉर्मर, मतलब कि इंग्लैंड के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं ये टेस्ट और वनडे दोनों में, और डस्कटे नीदरलैंड का प्लेयर है, और इसको क्रेडिट की वजह से छोड़ रहे हैं, और ये इनका भरोसा नहीं, कई दिन चल जाता है कई दिन नहीं चलता, तो यही इनका हाल है। और ल्यूस रीस है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता, ओपनिंग करता साथ में, और डस्कटे को आप ले सकते हो अगर आपका मन हो, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, पर ये भोपारा से ऊपर बैटिंग करना था डस्कटे, तो यही कि डस्कटे का पॉजिटिव पॉइंट है, बॉलिंग नहीं कर रहा डस्कटे, भोपारा कर रहा है, और भोपारा ने रिसेंट में रन भी अच्छे मारे हैं, तो इसलिए लोगों की परसेंटेज देख सकते हो, इसको ज़्यादा लोगों ने लिया भी है। और ल्यूस रीस ओपनिंग और बॉलिंग दोनों करता है, इसको छोड़ नहीं सकते। डैन स्टीवेंस ने टेस्ट मैच में 5 विकेट, दोनों इनिंग में 5-5 विकेट लिए, 5 या 4 ऐसे कुछ, हाँ पहले में 5 लिए, दूसरे में 4-5 वैसे विकेट लिए, और रन भी मारे इसने 88, तो ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर डैरेन स्टीवेंस, ये कोई बताएगा नहीं, अगर खेलेगा तो लेना है। एम कृतिकली की बात कर रहा था मैं, कितली किचली, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 2 विकेट ले आता है, और नीचे लोअर राउंड द ऑर्डर बैटिंग बॉलिंग करना था। गिटिंग का एक और ऑलराउंडर है ये एलेक्स ह्यूजेस, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 0.175 इसके भी ठीक ही हैं, नीचे जो राउंड द ऑर्डर आते हैं मोस्टली जब इनकी टीम चलती है तो ओपनिंग के प्लेयर 2-3 प्लेयर ही मैच जिता देते, तो बैटिंग नहीं आती इनकी, ये बॉलिंग करते हैं, और नीचे कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वॉल्टर वगैरह ये ग्रैंड लीग वगैरह के लिए सही है, ह्यूजेस डस्कटे, और यहाँ पे पी वॉल्टर नहीं ना,
ये अच्छा था बॉलिंग में देखना हमें बॉलिंग। मोहम्मद आमिर अगर खेलेगा तो ले लेंगे, क्रेट रितेश्वर तो रामपाल खेल रहा है क्योंकि CPL भी नहीं खेल रहा है। और जैम्पा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया में लगे होंगे तो नहीं खेलेंगे यहाँ। और रिचर्डसन तो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा यहाँ, ये खेले भी नहीं अभी तक कोई मैच है ना, ये ना ये ना ले लेके रखे हैं। साइमन हार्मर का था तो इसने भी रिसेंट में 2-3 दिन पहले 6 विकेट लिया टेस्ट मैच में और एक इनिंग में, और रन वगैरह बैटिंग के चक्कर स्कोर ने लिए भी और विकेट कंटिन्यूस ले भी रहा है और खेलेगा भी। यहाँ लोगन वैन बीक ये है, न्यूजीलैंड में भी आपने देखा होगा डोमेस्टिक जो तो वहाँ खेलता है ये, तो ले सकते हो इसे। और यहाँ पे ये एफ वुडसन प्रिंटिस बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, पर इसके पॉइंट इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसने ज़्यादा मैच खेले हैं जेमी पॉटर से। जे पॉटर ज़्यादा बेटर बॉलर है विकेट टेकर, तो मैं जे पॉटर के साथ गया, आप इसके साथ भी जा सकते हो। और नीचे कोई है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, तो हमारी टीम यही रहेगी। यहाँ पे आप कृतिक ली को ले सकते हो, मैथ्यू कृतिक ली, और यहाँ बोपारा बोपारा कृतिक ली को ज़रूर लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर डेलपोर्ट वगैरह कोई नहीं खेला तो यहाँ एम कृतिक ली को बिना गुन करके ले लेना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन की चॉइस ये 1 2 3 एक कैप्टन वाइस कैप्टन 1 2 3, इसको बहुत बंदे नहीं लेंगे तो बना सकते हो ग्रैंड लीग की कैप्टन की चॉइस एल रूइस। बस ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। और बैटिंग में आप देख सकते हो बैटिंग में मैंने ये टीम बनाई है, टेलीग्राम पे भी डालूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और ये My5Eleven ऐप है, इसकी खास बात यह है कि इसके पॉइंट सिस्टम से सारे ड्रीम इलेवन के जैसे हैं, तो यहाँ खेल रहे हो वहाँ खेल रहे हो, बात करें आप यहाँ पैसे बचते हैं इस पर खेलने के। ये देख सकते हो आप, ये हमारी बॉलिंग टीम है, बहुत सारी फैंटेसीज मिलती है इसमें। यहाँ देखो आपको मिलता है क्रिकेट, कबड्डी, NBA, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी भी है। यहाँ डिपॉजिट ऑफर चल रहे हैं, 50 से 100 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कीजिए डबल मिलेगा, फटाफट फ़ायदा उठाइए। इस ऐप की एक ख़ास बात है, और इस ऐप की सबसे ख़ास बात यह है कि आप यहाँ पे एंट्री फ़ीस बहुत कम है। आपको दिखाई देता हूँ मैं भी, हेड टू हेड में देख लो, ये देखो जहाँ ड्रीम इलेवन 10,000 वाली में 5750 लेता है, ये 5400, और ऊपर से 5% बोनस क्योंकि इस ऐप में इतने ऑफर चलते हैं, बोनस तो आप पे होगा ही होगा। और रेफर कोड डालिए मेरा, विड्रॉ में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कीजिए, विड्रॉ में दिलवा दूँगा। और रेफर कोड डालिए, ऑफ़र्स मिलेंगे आपको, फ्री एंट्रीज मिलेगी वीकली, मतलब हाँ 2-3-4 दिन में आपको फ्री एंट्रीज वगैरह मिलती रहेंगी, आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप मेरे रेफ़र कोड यूज़ करते हो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो रेफ़र कोड यूज़ करोगे तभी आपका हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि आप मेरे मेरे लिस्ट में प्रेजेंट होंगे तो मैं आपके खिलाफ़ मैं कोई भी आपको कोई ऐप में प्रॉब्लम होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरा रेफरल और सब्सक्राइबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और My5Eleven और ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम दोनों सेम है। तो आपने वीडियो देखी है तो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बस फैला दो यार। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के बाद। जय हिंद, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।